अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि 31 जुलाई तक हमारे इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंडेड है, मगर आपको बता दूं कि 31 जुलाई को ही या दोपहर में अपडेट आया, जो कि हमारे DGCA की तरफ से, इंडिया की सरकार, जो एविएशन सरकार वहां की तरफ से अपडेट आया, 31 अगस्त तक कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ANI की प्रेस रिपोर्ट यहां पर लिखा हुआ, बजाबते से मैंने रीट्वीट भी किया था ट्विटर पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि ये लोग तो शुरू से बढ़ा ही रहे हैं, लॉकडाउन तो बढ़ा इंडिया में, फिर फ्लाइट सस्पेंड हुआ, मार्च में हुआ, मई में हुआ, अप्रैल में हुआ, जून में हुआ, जुलाई हो गया, आप जावेद भाई अगस्त भी हो गया। तो बेसिकली इन लोगों का कहने का मतलब है कि इंडिया में जो कोरोना मरीज की जो तादाद है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, इसको देखते हुए ये लोग जो है फ्लाइट को सस्पेंड कर रहे हैं कमर्शियल। तो भाई देखो, आगे भी वंदे भारत मिशन चलता ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है, जैसे फ्लाइटें चल रही है उनमें ये लोगों ने बोला है, हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला है, मुझे उम्मीद है कि फेज 5 में 900 से अधिक फ्लाइट्स होंगी, हो सकता है कि 1200 भी, कि आगे के टाइम में, आगे आने वाले दिनों में अगस्त में 900 से 1200 से फ्लाइट हो सकती है, चार्टर फ्लाइट हो या वो वंदे भारत मिशन का फ्लाइट हो, जो भी फ्लाइट हो, तो फ्लाइट बढ़ने वाली है। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिस्ट ऐसे आ गए जो आदमी जाकर डायरेक्ट टिकट खरीद सकता है, डायरेक्ट आप एयरलाइंस का टिकट जाके ऑफिस से ले सकते हो या एम्बेसी का कॉल करने का इंतजार नहीं है। तो इन लोगों ने यही सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया, आगे भी और बदलाव करेंगे ये लोग, ऐसा बोल रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जी का भी इंटरव्यू में बताया गया कि उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि इसमें एयर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे चार्टर फ्लाइट काम कर रही है, जिसमें 8 लाख 8.5 लाख से ज्यादा लोग इंडिया अब हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट कब खुलेगी इसके बारे में उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं लिया। तो भाई देखो, इंडिया में तादाद बढ़ चुकी है कोरोना की और आगे भी तादाद बढ़ती ही रहेगी। तो बेसिकली जान लो, जहां का टिकट मिले, इंडिया अगर जाना है तो चले जाओ, ज्यादा बेटर होगा। तो ये था अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि भाई देखो, अब 31 अगस्त तक इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सस्पेंड है हमारे इंडिया में। अब देखना ये रहेगा कि सऊदी अरब में फ्लाइट खुलती है या नहीं खुलती है, क्योंकि कुवैत में फ्लाइट खुली है, कतर में फ्लाइट खुली है, लेकिन इंडिया से लोग वहां भी नहीं जा सकते। कतर में भी सेम इस तरीके से कुछ ऊपर नीचे है। तो ये लोग जब फ्लाइट्स खोल रहे हैं तो देखो, सऊदी का नंबर बचा है तो सऊदी को भी आना चाहिए आगे। तो दुआ करो कि ये भी आज कल में रिपोर्ट दे दे, बकरीद आज कल में भी, जैसे आज ही बकरीद है, कल भी बकरीद है, 3 दिन होता है, तो ये खत्म हो जाए तो फिर न्यू अपडेट आ जाए। तो सऊदी अरब वाले भी कोई ऐसी खुशखबरी दे दे अचानक से, तो कितना अच्छा बेहतर होगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप लोग जो परेशान है इंडिया में यहाँ आ जाओ, जो सऊदी अरब में परेशान है वो घर चले जाओ। लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।